हटाना किसको बोला छोटू? छोटू ए धरती के कीड़े, मेरे तदकाकी पे ताने मत मारो। वरना वरना क्या इत्तु से है, कितना बड़ी जवान, अभी से शिकायत करूं क्या तेरी? अरे मामा जी, अब मम्मी को बीच में क्यों ला रहे हो? आपने मुझे साइकिल पे लिफ्ट दिया, इसलिए थैंक यू। भगवान जी करे कि चार लोग अपने कंधे पे आपको बिठा के लिफ्ट दे। विवान, हाँ। इतना गुस्सा दिखाना अच्छी बात है? गुस्सा कौन दिखा रहा है, मैं तो दुम दबा के भाग रहा हूँ। विवान, जब वीर परीक्षा, वीर स्नान, वीर तिलक सब अपने समय पे हुआ है, तो फिर आगे की शक्तियाँ तुम्हें समय से पहले कैसे मिल सकती हैं? मुझे शक्ति नहीं, तुम लोगों से मुक्ति चाहिए। तुम चुप क्यों खड़े हो विवान? तुम्हारे दिल में कोई भी शिकायत है तो तुम हमें बता सकते हो। दिल से बुलाए, मेरा मतलब मन से बुलाए, मन से बुलाया। बालवीर आया। ये अचानक क्या गलत सलत बोल रहे हो? मेरा स्टाइल है, मेरा डायलॉग है, जैसे जी मैं बोलूंगा। और आज से बालवीर दिल से बुलाने पर ही, मन से बुलाने पर ही आएगा। हटो विवान। ये तुम्हारी चाल को क्या हुआ? मेरी चाल है जैसी मेरी मर्जी, आप लोगों को क्या? ये जैसे जी मैं चलूंगा। चिंटी, तुम दोनों के जूते साफ करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों के जूते तो मोतियों की तरह चमक रहे हैं। इसको हीरे जैसे चमकाओ। पार्टनर ने तो दोस्ती नहीं निभाई, लेकिन मैं जरूर निभाऊंगा दोस्ती अपनी पार्टनर के साथ। एक मिनट चिंटू, अगर हिम्मत है ना तो मुझसे शर्त लगाओ, और अगर मैं शर्त जीत गया ना तो गोपू और सुतली तुम लोगों के जूते साफ नहीं करेंगे। अगर भैया जीत गए तो मैं तुम लोगों के जूते एक महीने तक चमकाऊंगा। बोलो मंजूर है? तो आजा टेबल पर। इतने इजी चैलेंज नहीं मैं लेता हूँ और न ही किसी को देता हूँ। तो फिर मैं इस दीवार को धक्का देकर दो हाथ पीछे कर सकता हूँ। Are you crazy विवान? कैसे करेगा तू? Don't worry शक्ली, ये काम मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि क्या ये तुम कर सकते हो? अक्का ये दीवार ढीली होगी, इसलिए इतना हेकड़ी मार रहा है पिद्दी। हाँ चिंटी, ठीक है, पहले मैं ये दीवार खिसकाऊंगा। हाँ तो ठीक है, जाओ। All the best. Thank you, चिंटी। जोर से। अरे रोहन, ये तूने कैसा चैलेंज दे दिया यार? जो दीवार इससे नहीं खिसक सकती वो तुझसे क्या खिसकेगी? एक और बार चिंटी। दिमाग से देखते जाओ गोपू। अरे कम ऑन भैया, अरे फिसलो मत। अरे और जोर लगाओ ना। नहीं हो रहा? जो काम मैं नहीं कर पा रहा वो तू कैसे करेगा पिद्दी? मैं दिखाता हूँ, तो देखो ये मैंने दिया दीवार को धक्का। ये चिंटू के पास बालवीर टाइप की पावर कहाँ से आ गई? हे चिंटू, फिर से धक्का क्यों दिया? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्लास में जाइए आप सब। ठीक है मिस। एक बात समझ में नहीं आई कालपरी, हम हराना चाहते हैं बालवीर को, पीछा कर रहे हैं विवान को और शक्तियां दे रहे हैं चिंटू को, आखिर क्यों? ठंड बढ़ती जा रही है, मुझे जल्दी ही पर्वत की चोटी पर पहुंचकर ओस की बूंद को जमा करना होगा।
लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा तुम्हें बालवीर, हिमसार ग्रह पर चढ़ना आसान नहीं होगा, यहाँ पर कदम कदम पर खतरा होगा। विवान, क्या विवान, मैं सुबह से देख रही हूँ तू थोड़ा लॉस्ट सा लग रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं सुधली, मैं बस ये सोच रहा था कि चिंटू के पास इतनी ताकत कैसे आ गई। अरे विवान इतना मत सोच, वैसे तो 11 बैट्समैन भी कभी कभार सिक्सर मार देता है, तो वो विराट थोड़ी ना है, और हमारा विराट तो तू है। नहीं विराट नहीं, सलमान। हाँ हाँ वही वही। गुड मॉर्निंग टीचर, सिट डाउन। चिंटू चिंटू स्टैंड अप। मैं? हाँ तुम। मुझे जरा यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल बताओ। विवान, लेकिन विवान तू इतनी जल्दी अपने कपड़े चेंज करके कैसे आ गया? अरे कमाल है, अभी मैंने तुम्हारी तारीफ की और तुम मेरे कपड़ों पर सवाल उठा रहे हो। क्या क्या नहीं करनी है तुमसे बात? ये क्या और इससे हुआ क्या? ये मुझे तू की जगह तुम करके बुला रहा है, उसके बाद गुस्सा होता है, उसके बाद गले लगाता है। चिंटू को बालवीर कैसे बना सकते हैं? उसके हाथ में तो ये वीर चिन्ह भी नहीं है, और क्या चिंटू वो कर सकता है जो मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता चिंटू, ये चिंटू ये भी नहीं कर सकता। ये चिंटू ये कर सकता है, चिंटू ये भी नहीं कर सकता। क्या चिंटू ये कर सकता है? चिंटू ये भी नहीं कर सकता। विवान क्या कर रहे हो ये सब? क्या चिंटू ये कर सकता है? 3 महीने, 3 महीनों से अब इस टाइम पास करते आ रहे मेरे साथ। बताइए ना, चुप क्यों आप? बताइए, अब बताइए, क्या मैं बालवीर बनने के लायक नहीं हूँ? तू और कौन है? कौन है वो चिंटू? विवान किसने ये सारी उल्टी सीधी बातें तुम्हारे कान में भर दी? तो ठीक है मैं कान का कच्चा हूँ, अब बस यही बताइए कि मुझे अब तक बालवीर की सारी शक्तियाँ क्यों नहीं दी गई है? क्यों? और क्या ये सच है कि आप लोग चंटू को बालवीर बनाने की तैयारी कर रहे हो? बताइए। क्या बोल रहे हो तुम विवान? किसने बोला तुम्हें ये? हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, चंटू क्लास में आइंस्टाइन की तरह जवाब दे रहा था, और उसके हाथ में मैंने बुलडोजर जैसी ताकत देखी है। क्या? हाँ। और बताओ मस्ती भरी, क्या मुझे हटाकर चिंटू को बालवीर बनाने की तैयारी की जा रही है? बताइए। हाँ विवान। विवान विवान सुनो, विवान 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 दरवाजा खोलो। नहीं बात करनी है मुझे किसी से, प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। विवान मेरी बात तो सुनो। सही मौके पर मस्ती परी के खून की बूंद काम आ गई। पिछली बार जब मस्ती परी मेरे हाथ लगी थी तो मैंने उसके बदन से उसके रक्त की एक बूंद चुरा ली थी। ताकत चीज ही ऐसी होती है, एक बार किसी को मिल जाए फिर उसे खोना नहीं चाहता।
अब विवान बहुत ही जल्द पूरी ताकत पाने के लिए काल लोक की शरण में आ जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए बालवीर का दुश्मन बन जाएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.